ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं। काश फेसबुक वाले नए नए दौर में एंट्री करते वक्त ऑर्कुट को हम कुछ ऐसे विदा कर पाते, पर अफसोस हमने ऑर्कुट को घोस्ट कर दिया। घोस्ट का शाब्दिक अर्थ वैसे तो भूत परे तो होता है, लेकिन सोशल मीडिया की भाषा में घोस्ट माने किसी से बिन बताए सारे रिश्ते नाते तोड़ देना, ऐसे गायब हो जाना जैसे आप उनके जिंदगी में कभी थे ही नहीं। खैर, रिश्तों नातों से याद आया रिलेशनशिप स्टेटस फेसबुक वाला। कैसे प्रोफाइल बनाते या अपडेट करते वक्त नाम बर्थडे के साथ आपसे आपका रिलेशनशिप स्टेटस भी पूछा जाता था। कई लोगों के लिए सिंगल सबसे सेफ ऑप्शन था, सो वही भर देते थे। सोशल मीडिया पर प्यार मोहब्बत ढूंढने वालों के लिए ऑप्शन उम्मीदों का पर्याय भी बन गया था, और जिसे प्यार मोहब्बत ना निगलते बन रही थी और ना उगलते, वो इट्स कॉम्प्लिकेटेड से काम चला रहे थे। अब एक बार फिर से समय का चक्का घूमा है, फेसबुक को घोस्ट कर हमने इंस्टाग्राम पर अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है। सोशल मीडिया के साथ हमारे रिश्ते की इक्वेशन भले ही बदल गई हो, कुछ चीज़ें अभी भी जस की तस हैं। जैसे कई लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस अभी भी इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाली कैटेगरी में पड़ा हुआ है, बस नाम थोड़ा फैंसी हो गया है। अब इसे कह देते हैं सिचुएशनशिप, माने ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दो लोग दोस्तों से ज्यादा हैं और फॉर्मल रोमांटिक पार्टनर से कम, यानी कमिटमेंट हम नहीं देंगे, बाकी सब सही चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सिचुएशनशिप के बारे में अचानक से आपको बताने क्यों लगे। तो जनाब, माजरा यूं है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए 8 शब्दों को शॉर्टलिस्ट किया है, उन्हीं में से एक है सिचुएशनशिप। अगर आप भी किसी प्रकार की सिचुएशनशिप में हैं तो हमारी सहानुभूति, आप वीडियो पॉज कर थोड़ा अपनी स्थिति पर सोच विचार भी करना चाहें तो कर सकते हैं, रिश्तों में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बाकी 7 शब्दों के बारे में भी बता देते हैं। दूसरा शब्द है बेज फ्लैग। रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, यूनिवर्स में अब एक और फ्लैग की एंट्री हो गई है, बेज फ्लैग। किसे कहते हैं बेज फ्लैग? वो पार्टनर या पोटेंशियल पार्टनर जो बोरिंग है, मतलब उनके कुछ ट्रेड्स, कुछ आदतें सीधे तौर पर टॉक्सिक नहीं है जैसे रेड फ्लैग के मामले में होता है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग भी नहीं है, वो बस है। स्विफ्टी। अमेरिकी सिंगर सॉन्ग राइटर टेलर स्विफ्ट की दुनिया भर में तगड़ी फैन फॉलोइंग है, इतनी कि इनके डाई हार्ड फैंस के लिए अलग से एक शब्द इजाद हो गया है, स्विफ्टी। चौथा शब्द है डी इन्फ्लुएंसिंग। आप सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया पर तमाम इन्फ्लुएंसर्स को जानते भी होंगे और ये भी जानते होंगे कि इन्फ्लुएंसर्स की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया होता है ब्रांडेड कंटेंट, यानी ऐसा कंटेंट जिसमें इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग ब्रांड्स और उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों। लेकिन अब एक बिल्कुल उल्टा ट्रेंड यहाँ पर चल पड़ा है डी इन्फ्लुएंसिंग का। ये एक ऐसी प्रैक्टिस को कहा जाता है जिसके तहत कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदने या इस्तेमाल करने से मना किया जाता है, उनके नुकसान गिनाए जाते हैं। डी इन्फ्लुएंसिंग को कंजम्पशन कल्चर या उपभोक्तावाद के नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों को सजग करने, अवेयर करने का एक तरीका भी कहा जा सकता है। अगला शब्द है पैरासोशल, माने एक ऐसा रिलेशनशिप जो इमेजिनरी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं या सोशल मीडिया के जरिए आप उन्हें जानते हैं, आपका पर्सनल लेवल पर उनसे कोई इंट्रैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक वन साइडेड इमेजिनरी कनेक्शन आप उनके साथ बना लेते हैं, और इसे ही कहा जाता है पैरासोशल रिलेशनशिप। छठा शब्द है हीट डोम। हीट डोम माने गर्म हवा का गुंबद। किसी जगह पर अगर गर्म हवा लंबे समय तक रहे और हाई प्रेशर के कारण गुंबद नुमा आकार धर ले, इसे ही कहते हैं हीट डोम। सातवां शब्द है रिज, माने किसी भी रोमांटिक या सेक्सुअल पार्टनर को आकर्षित करने की क्षमता, चार्मिंग अपील। और आखिरी शब्द है प्रॉम्प्ट। चैट जीपीटी के आने के बाद ये शब्द खासा पॉपुलर हुआ। प्रॉम्प्ट्स माने वो इंस्ट्रक्शन जो आप चैट जीपीटी या बाकी किसी भी एआई मॉडल को देते हैं जवाब पाने के लिए, इसे एक कमांड की तरह भी समझा जा सकता है। ये सभी शब्द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में लैंग्वेज एक्सपर्ट्स द्वारा चुने गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जिसे हम शॉर्ट में OUP भी कह देते हैं, उनके अधिकारियों के मुताबिक इन 8 शब्दों को जनता द्वारा वोटिंग के लिए खोला जाएगा, जिनमें से प्रत्येक कॉम्पिटिशन में एक विजेता उभरेगा।
जिससे केवल 4 फाइनलिस्ट रह जाएंगे। एक्सपर्ट्स फिर कॉर्पस डेटा का एक अंतिम एनालिसिस करेंगे। फाइनलिस्ट पर वोटों और पब्लिक कमेंट्री को ध्यान में रखते हुए एक शब्द बनेगा ऑक्सफर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023। इन शब्दों में से किससे आपने सबसे ज्यादा रिलेट किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे थे दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।